हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन क्लासेस। आज हम कंटिन्यू जो करने जा रहे हैं डीएसएसबी सीरीज़। हमने डीएसएसबी सीरीज़ में सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है फिज़िक्स, और आज हम टॉपिक करते हैं प्रेशर। व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ द फोर्स दैट इज़ एग्जर्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस नॉर्मली। जो फोर्स नॉर्मली एग्जर्ट हो रहा है पर यूनिट एरिया पे एक सरफेस के ऊपर, उसे हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया। जो इसके एसआई यूनिट हैं वो है पास्कल, और इसे डिनोट किससे करते हैं? हम पीए से। अगर हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 1.01 × 10^-5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, और अगर हम इसकी टोर के अंदर बात करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 760 टोर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द प्रेशर दैट इज़ एग्जर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। जो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम है वो 0° सेल्सियस पे और एट 45° लेटीट्यूड पे जो प्रेशर एग्जर्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर हम प्रेशर इन लिक्विड्स की बात करते हैं तो इट इज़ द प्रेशर दैट इज़ एग्जर्टेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन द कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड है, जो उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगता है थ्रू प्रेशर लिक्विड मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ नोन एज प्रेशर इन लिक्विड। अगर हम पास्कल लॉ की बात करते हैं तो पास्कल लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन एनी मॉलिक्यूल इट इन द लिक्विड इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी मॉलिक्यूल। अगर हम लिक्विड के किसी एक पोजीशन के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा हर मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड के अंदर। दैट इज़ डिफाइंड एज द पास्कल लॉ। कोहेसिव फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्स इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। और एडहेसिव फोर्स क्या है? एडहेसिव फोर्स इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन से केजी पर मीटर क्यूब। मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स एट द फिक्स पॉइंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई भी पार्टिकल रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मूव कर रहा है एक फिक्स पॉइंट से, दैट इज़ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मान लीजिए इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है बट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज़ नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, देर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज़ ज़ीरो, वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, velocity of the particle is maximum, kinetic energy is also maximum, ये velocity maximum होगी, kinetic energy maximum होगी, और जो potential energy है particle की that is zero, potential energy of the particle is zero. periodic motion is the motion that repeat itself at regular interval of time. जो मोशन अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रिपीट करता है उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एट द फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट के ऊपर जब रेगुलर इंटरवल पे मोशन अपने आप को रिपीट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जो इसकी एग्जांपल है वो क्या हो जाएगी? पिस्टन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन। अब ऑटोमोबाइल इंजन का पिस्टन कैसे मूव करता है? ऐसे 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 मूव करता है और
ऐसे मूव करता है बार बार, तो वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बार बार मूव करता है, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद उसकी रिपीटिशन होती है। और पॉइंट क्या है, फिक्स है, वो जो पिस्टन है एक जगह के पे फिक्स है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज़ द टाइम इन विच वन ऑसिलेशन कम्प्लीट, इन विच वन ऑसिलेशन कम्प्लीट, वन ऑसिलेशन कम्प्लीट जिस टाइम पीरियड में करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम टाइम पीरियड कहते हैं। एंड फ्रिक्वेंसी इज डिफाइंड एज, फ्रिक्वेंसी इज डिफाइंड एज वन अपॉन टाइम, वन अपॉन टाइम। सिंपल पेंडुलम, अब सिंपल पेंडुलम हम सबको पता है क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट है और उसके नीचे एक स्ट्रिंग है और उसके नीचे एक मास लटका दिया जाता है, हैवी मास। तो जो सिंपल पेंडुलम है बैक एंड फोर्थ ऐसे मूव करता है, और जो इसका टाइम पीरियड है दैट इज़ डिफाइंड एज 2π√L/g, इट इज़ डिफाइंड एज 2π√L/g। नाउ व्हाट इज़ वेव, वेव इज़ द डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर वेव की हम बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, वन इज़ मकैनिकल वेव एंड अनदर वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मकैनिकल वेव की बात करें तो मैकेनिकल वेव आर द वेव्स विच रिक्वायर मटीरियल और मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। दीज वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड अनदर वन इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स वेव्स। जो लॉन्गिट्यूड वेव्स हैं लॉन्गिट्यूड वेव्स में क्या होते हैं, जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव में, मान लीजिए ये वेव है, जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। पर ट्रांसफर वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल हैं उसके परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। इस लॉन्गिट्यूडनल में इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे और ट्रांसफर के अंदर उसके 90 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड परपेंडिकुलर के अंदर वाइब्रेट करेंगे। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दीज आर द वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रांसफ़र के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लाइट वेव है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम के अंदर से भी पास कर सकती हैं। लाइट वेव हो गई, हीट हो गई, दैट कैन ट्रांसफ़र थ्रू विदाउट द मीडियम। एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड इज़ द मैग्नीट्यूड, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग मटीरियल। जो ये है इसे हम क्या डिफाइन करते हैं, एम्पलीट्यूड से डिफाइन करते हैं। और व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। कोई भी दो पार्टिकल हैं जो उनके नियरेस्ट पॉइंट्स होंगे जिसके अंदर वो वाइब्रेट कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड अपॉन वन अपॉन टाइम पीरियड, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। नाउ व्हाट इज साउंड वेव, साउंड वेव इज द लॉन्गिट्यूड मैकेनिकल वेव दैट लाइज बिटवीन रेंज जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की रेंज के बीच में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड कहते हैं या ऑडिबल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और जो रेंज बिलो 20 हर्ट्ज होती है उसे हम क्या कहेंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स।
और जो अबव 20,000 हर्ट्ज होती हैं वो क्या होंगी? अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब जो स्पीड है साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, इलास्टिसिटी एंड सॉरी दैट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मटीरियल। वेन अ साउंड एंटर्स इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस, जो उसकी स्पीड और वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, पर जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी? वो सेम रहेगी। स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड इट इज़ मिनिमम इन गैसेस। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कहाँ मैक्सिमम होगी? सॉलिड्स के अंदर, और मिनिमम कहाँ होगी? गैसेस के अंदर। जो स्पीड है साउंड की, या जो लाउडनेस हम कहते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड, जो उसके यूनिट्स हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। आज हमने डिस्कस किया प्रेशर, प्रेशर दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, जो इसके यूनिट्स हैं वो पास्कल हैं, और जो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज़ इक्वल टू 1.01 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसे टोर में देखेंगे तो टोर में जो इसके वैल्यू है वह दैट इज़ 760 टोर। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो इट इज़ द प्रेशर दैट इज एग्जर्टेड बाय द 76 cm ऑफ मर्करी कॉलम एट 0° C एंड 45° लेटीट्यूड। जो लिक्विड है प्रेशर के अंदर, दैट इज़ द प्रेशर दैट इज़ एग्जर्टेड बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर वो लिक्विड कंटेन है, जो उसकी वॉल्स के ऊपर उस लिक्विड की वजह से प्रेशर लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर इन लिक्विड्स कहते हैं। और कोहेसिव फोर्स कौन सी है? कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, एंड एडहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड द वॉल्यूम, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इट इज़ द मोशन दैट इज रिपीट इट सेल्फ एट द फिक्स पॉइंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर अपने आप को एक फिक्स पॉइंट से जो रिपीट करता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो ज़ीरो होता है, नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। एक्सेलरेशन क्या होगी? ज़ीरो होगी पार्टिकल की, और जो वेलोसिटी है दैट इज़ मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम बट द पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो। और अगर हमें किसी पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सट्रीम एंड तक लेके जाना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सट्रीम एंड तक लेके जाना है, तो अगर हम एक्सट्रीम एंड की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं पार्टिकल की, तो वो क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होगी, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा, और जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो ज़ीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, बट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। अगर वो मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन पे क्या होगा? फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगी? ज़ीरो होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होगी। अगर हम बात करें किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पार्टिकल है, तो इससे अपोजिट हो जाएगा, जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होगी वो मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी पार्टिकल की? ज़ीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी।
पीरियोडिक मोशन इज़ द मोशन विच रिपीट इट सेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा हो जाएगा, इट इज़ द मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट अ फिक्स पॉइंट, मोशन इज सेट टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन। और इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो ये पिस्टल ऑफ द इंजन की बात करें तो वो अपने आप को ऑसिलेटरी मोशन में मूव करती है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। एंड फ्रिक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम। अब हम वेव्स की पेंडुलम की पहले बात कर लेते हैं। जो पेंडुलम है, एक स्ट्रिंग के साथ हैवी मास जो लटका होता है उसे हम पेंडुलम कहते हैं, और जो इसका टाइम पीरियड है दैट इज़ इक्वल टू 2πL/g। एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जो ये लेंथ है स्ट्रिंग की वो एल है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी है। अब हम वेव्स की बात करते हैं तो दो टाइप की वेव्स होती हैं, वन इज़ मैकेनिकल वेव्स एंड अनदर वन इज़ नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो मैकेनिकल वेव है उन्हें मटेरियल चाहिए, कोई भी मीडियम चाहिए अपने आप को पास करने के लिए, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को एक एनर्जी को वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल ट्रांसफ़र करने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव्स हैं जो पार्टिकल है वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है जिस डायरेक्शन के अंदर वेव मूव कर रही है, और जो ट्रांसफर वेव है उसके अंदर वो परपेंडिकुलरली मूव करता है। स्पीड ऑफ साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। और जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट डिपेंड्स अपॉन कितना डेंस मटीरियल है, जितना ज़्यादा डेंस मटीरियल होगा उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगी। और जो लाउडनेस के जो यूनिट्स हैं उन्हें हम डेसिबल से डिफाइन करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।